में आपका मेंटोर AK सिंह। और आज से फिर हम क्या करेंगे, यानी कि उत्तराखंड टेट की जो CDB सेक्शन के प्रैक्टिस टेस्ट देख रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट में आपको क्या कराया जाएगा, यानी कि कहीं यानी कि CTET के, आपके उत्तराखंड टेट के, और अदर जो कहीं ना कहीं NCERT और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी कि 10-10 क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको हर पेपर का अंदाज़ा लग जाए और किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आपको पता चल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपके यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे यानी कि 10 क्वेश्चन CDP के 10 क्वेश्चन देखेंगे और आपके EVS के भी 10 क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम 10-10 क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक शिक्षक यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, यानी कि वो क्या कर रहा है, चिंतित कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, संपूर्ण यानी कि संपूर्ण विषय को शामिल करना, क्या होगा, संपूर्ण विषय को शामिल करना होनी चाहिए इसकी बातें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है होना चाहिए। देखिए हम इसको सारे ऑप्शन को देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष यानी कि प्रतिक्षण महत्व को बात कही गई है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी बच्चों के अनुभव की कक्षा के बाहर के वातावरण से जोड़ने की बात कही जाए तो वहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका आंसर वही होगा, क्या होगा, आंसर आपका वही होगा। और इसमें आपका टैग आपका आ गया है अनुभव, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम इस चीज़ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखो विद्यालय आधारित आकलन का मतलब ये है कि आपका टीचर है, आप यानी कि आप अपने टीचर के साथ क्या है, एक तरह से संबंध है, यानी कि आपके क्या है, जैसे एक पेरेंट्स के अपने बच्चे के साथ क्या है, उसे कमियां पता होती है, उसे क्या है कि अपने बच्चे की चीज़ें किस तरह से उसकी एबिलिटी है, उस सब चीज़ें पता होती है। ऐसे ही क्या होता है, आपके बच्चे का यानी कि टीचर को अपने बच्चे की सारी एबिलिटी पता होती है, उनके आंकलों में थोड़ी ढील भी बरस सकता है, उसे बता भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये क्या है, यानी भारी परीक्षा यानी जो आउटसाइडर जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर जानता है, क्या करता है, बेहतर जानता है, ठीक है। अब ये मान लो रोहन सोहन है, तो रोहन का क्या है, साइंस में अच्छा है, मोहन मैथ्स में अच्छा है, उसकी क्या है, खेलने की एबिलिटी अच्छी है, उसकी इंडोर की एबिलिटी। तो ये सब चीज़ें कौन जान रहा है, टीचर जान रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, जब आप पेपर को सॉल्व करो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के करना चाहिए। जैसे कि आपको क्या है, आप उस एनवायरनमेंट में खुद को रखो, क्या करो, खुद को रखो, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई देखो सबसे पहली बात आती है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी सीखने में विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। और व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, देखिए जैसे कि आप हो, आपका भाई, दोनों जुड़वाएँ, या फिर एक तरह से एक ही माँ से यानी कि माँ बाप के दोनों बच्चे हो, और एक यानी एक से 1.5-2 साल का अंतर मान के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तब भी मान के चलिए एक बच्चे की एबिलिटी अलग होगी, दूसरे बच्चे की एबिलिटी अलग होगी। एक ही डेट में क्या है, एक जगह यानी कि ये मान के चलिए कुछ बच्चे हुए हैं, तो उनकी सारों की एबिलिटी अलग होगी,
क्यों चाहे एक कक्षा में पढ़े बच्चे हों, चाहे आपके दोनों भाई हों, मतलब भाई बहनों या एक साथ हुए हैं बच्चे, सबकी भिन्नता अलग होती है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता जब आपको देखने मिले तो क्या होगी, वो अलग अलग होगी। सबका सीखने का अनुभव करने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाइगोत्सी बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जब वाइगोत्सी आ जाए तो ये बात ध्यान रखना, वाइगोत्सी की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, तो समाज की बात करते हैं वाइगोत्सी। लिख लीजिए कुछ जो टिप्स हैं उसको, कि वाइगोत्सी किसकी बात करते हैं, आपका कॉलर किसकी बात करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहा है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए यानी कि आपकी वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करता है, वह डैश से प्रभावित है। देखिए जब शिक्षार्थी और शिक्षक की बात आए, अधिगम शैली को संतुष्ट करने की बात है, तो क्या होगा, यानी कि एक चीज़ आगे देखते हैं। देखिए गार्डनर के बहुसिद्धांत यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक शिक्षार्थी अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा एवं सहयोगात्मक अधिगम अपने के लिए प्रोत्साहन करता है, यह अधिगम डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या होता है, यह सीखने का यानी कि सीखने की बात कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, सिखाने की बात कर रहा है। सीखने और सिखाने में देखो जब क्या करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि जो सीटेट यानी कि आपका यानी कि ईवीएस में से क्वेश्चन आता है कि खाना पेट में पहले पचता है या एक गिलास के पाचन रस में, तो क्या कर यानी कि आपने, मैंने कहा कि इसे देख के बताना, मैंने आपको क्या कर दिया, देख के बताना है या बताओ, तो क्या कर रहे हैं आप, खुद ढूंढ रहे हो उसका आंसर। जब आदमी खुद ढूंढेगा और उसका क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लर्न रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक क्या है, कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है? तो वो कौन सा है, विषय वस्तु की बात कर रहा है, तो विषय वस्तु की बात होनी चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेकंड लास्ट। राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये क्या दर्शाता है? तो ये आपको क्या है, लड़कियों की बात हो रही है और लड़के, जैसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़कियों को क्या है, मैथ्स ना पढ़ा के बायो पढ़ाने वाली एक क्वेश्चन आता है, और लड़कों को मैथ्स पढ़ाने वाली बात आती है, तो वो भी क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। बीजों को अंकुरित संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? सबसे प्रभावी पद्धति है, एक पौधे को बीज, बच्चों को कहेंगे कि आप एक पौधा का बीज लीजिए, उसे खुद क्या है, अंकुरित होते हुए चरणों को अवलोकन करिए। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इसमें बच्चा खुद करके देख रहा है, यानी कि उसे खुद करके देख, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारे जो आज भी व्यक्ति क्या है, फिजिकल एक तरह से यानी कि खुद जाकर क्या करते हैं, खुद जाकर फ़ोन लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करना, यानी कि उसे क्या है, उसका एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे ही फ़ोन मिले उसका एक्सपीरियंस। अब बहुत सारे क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, वेट करते हैं तब आता है, तो क्या करते हैं ये सब चीज़ें, इस तरह की जो क्या है, अवलोकन करा उसने, वहाँ जाया गया तो 2-3 दुकान से पता करा कि कितने की है, यानी तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग। और ऐसे ही कपड़ों में आप क्या करोगे, कपड़ा क्या करोगे, पहले उसे टच करके देखोगे कि सही है कि नहीं, पहन के देखोगे, और जब आप पहन के देख लोगे तब आप क्या करवाओगे, उसको लेते हो। तो इसी तरह क्या करना है, आपका अवलोकन वाली बात आती है, जब बच्चा क्या करेगा, छोटा बच्चा उस चीज़ को देखेगा तो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन CDB का है, हम CDB के प्रैक्टिस टेस्ट देख रहे हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन करके आपको तैयारी कराई जाएगी।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।